हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम रेडी सुबह सुबह बिकॉज आज भी हम जा रहे हैं घूमने। एंड नब मैंने जैसे ही कहा था लास्ट आउटफिट का शॉट नवरात्रि का मैं बाहर जाके करूँगी, तो उसके लिए जा रहे हैं एंड घूमने भी जा रहे हैं। तो सुबह के आई थिंक 9:30 बज रहे होंगे। अभी नाश्ता करना बाकी है, नाश्ता करके बस निकलने ही वाला है। तो नाश्ते में आई हैव गरम गरम मसाला पराठा और बादाम का दूध, यम्मी। तो आज के लिए वी हैव गॉटन रेडी एंड आज लगेज बहुत है बिकॉज कपड़े लेके जाने हैं उधर शॉर्ट्स करने के लिए। सो या लेट्स गो। 11:30 बज गए इधर ही, अभी उधर जाके वीडियो बनाना है मुझे। लेट्स गो। एंड यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग का ये हो रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मूर्ति अंदर कर रहा है, यू कैन सी वहाँ पे। लाइटें तो लगाई हुई है ऑलरेडी, बट जब ये ऑन होगी तभी मज़ा आएगा। अभी तो ऐसा वाइब ही नहीं है बिल्कुल। शाम को यही जगह पे कितना अलग वाइब होगा। एंड पैलेस भी कुछ ऐसा दिख रहा है डे टाइम में, शाम को जो मज़ा है वो सुबह में नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है वैसा। एंड यहाँ पे ना लाइक नए फूल लगा रहे हैं, मतलब इट गेट्स ड्राई आफ्टर अ डे और टू। तो लुक एट द लाल किला, पूरा निकाल दिया है रोज एंड द रीडूइंग इट। उस दिन कितना ब्राइट लग रहा था, आज ये सब लोग ना वापस चिपकाने के लिए बैठे हुए हैं। कितना मेहनत, हम एक सेकंड में फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। दिस इज़ द मेहनत बिहाइंड, दिस इज़ द रेड फोर्ट बिफोर, मतलब फूल के पहले चिपका रहे, इफ़ यू कैन सी थोड़े थोड़े वहाँ पे। एंड पानी भी डल रहा है फ्रेश रहे ताकि फूल। आज तो लाइक उस दिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रश है, मतलब दशहरा के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो पीपल हैव कम, बहुत रश है आज। एंड दे आर रीडूइंग द लाल किला, फूल सूख गया इसलिए। एंड आज एक साथ स्कूल से भी उन्होंने लेके आए फ्लावर शो दिखाने, काफ़ी भीड़ है आज। एंड दैट इज़ द पैलेस, हम करेंगे हमारा आउटफिट का यहीं पे, थोड़े लोग यू नो जाने के बाद। ये व्यू के साथ, वहाँ पे भी व्यू है। मुझे यहाँ पे आके ऐसे रेडी होना पड़ रहा है, लाइक रियली शाई, बट लेट्स डू इट। तो मैंने ये आउटफिट पहन के फाइनली यहाँ पे वीडियोस फोटोज ले लिया है एंड दे हैव कम आउट सो गुड, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब इस बैकग्राउंड के साथ तो इट हैज़ टू बी अमेजिंग। एंड एक पर्सन है ना आके, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकता हूँ क्या, पूछा। मम्मी ने डायरेक्ट एक ही बात में नो बोल दिया एंड वो सॉरी ओके चले गए। एंड नाउ हो गया है, आई जस्ट चेंज। मुझे ना यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बिकॉज मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है अपलोड करने के लिए। यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है, इंस्टाग्राम में अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैं चक्कर लगा रही हूँ। मुझे भूख लग रही है, यहाँ पे जल्दी जल्दी एडिट करके अभी अपलोड नहीं हो रहा है। एंड अभी वी आर हैविंग आवर लंच पार्टी, वी हैव केक। ये केक खाए हुए बहुत साल हो गए थे, बहुत ही यम्मी लगता है। एंड माई फेवरेट मसाला बन विद दिस अभी आज का अलग चश्मा पहन लिया है। आज भी आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है एंड चॉपर जा रहा है ऊपर एंड आज का मौसम अच्छा है इसीलिए मेरा मूड भी अच्छा है। तो आज भी हमने थोड़ी ट्विनिंग करने की कोशिश की है एंड हमें पेट भर के खा लिया है खाना, मतलब वही बन और ब्रेड बहुत ही यमी था। एंड अभी वहाँ पर हाथी है, पता नहीं सब लोग देखने जा रहे हैं, तो लेट्स गो सी हाथी। एंड हम वीडियो यहाँ पर भी बना सकते थे बट मैंने वहाँ से बनाया, अब जाके थोड़ा दुख हो रहा है, बट वहाँ पे भी अच्छा ही आया है, यहाँ पे और अच्छा आता। बट एंड यहाँ पे एंड
ये कितना प्रिटी सा मंदिर, लाइक पैलेस के मैचिंग ही है मंदिर ये. ये तो एक्चुअली दूसरा मंदिर है, वहाँ पे एक मेन मंदिर भी है. यू कैन सी देयर इज द टूम्ब ऑफ द मंदिर. कहाँ गया? हाँ, घर. एंड देयर इज आवर पैलेस. एंड ये पुलिस की बस. एंड ये वो मंदिर. मम्मी कहाँ गई? एंड वो मम्मी. एंड वहाँ पे ना हाथी है. आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट लेट्स सी. अभी हाथी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शायद अंदर चले गए हैं यहाँ पे. तभी तो यहीं पे बाहर खड़े थे, बट नाउ देयर इज नो हाथी. अंदर चले गए रेस्ट करने. एंड यहाँ पे यू नो गार्डनिंग भी एलिफेंट के शेप में की हुई है. इट्स सो प्रिटी. एंड वो रहा हमारा पैलेस. हम यहाँ पे एग्जिट है समझ के यहाँ पे गए थे, बट गेट क्लोज हुआ है तो हम वापस से जा रहे हैं. कहाँ एग्जिट है उधर. एंड शाम को वापस आएंगे लाइटिंग देखने. फ़ोन को चार्ज करना है, बैटरी लो हो गई है, तो वी आर फाइंडिंग अ प्लेस वेयर वी कैन चार्ज माई फ़ोन. चार्जर लेके आई हूँ मेरे साथ में. एंड दैट्स माई मॉम वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. हाँ, ओके. शाम को इतना यही नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लगेगा. एक साथ इतनी बड़ी फैमिली. एंड दिस स्टिल इज़ नॉट कम्प्लीटेड. सुबह से हम देख रहे हैं, बट अभी भी सिर्फ इतना ही हुआ है. ओ माई गॉड, पूरा करने में कितनी मेहनत लगी होगी. एंड यू नो शायद 2-3 ऑल्टरनेट डेज में इसको वापस से चेंज भी करना पड़ता है. ओ माई गॉड. एंड यहाँ पे भी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. वो एक हाथी का ऑलमोस्ट कम्प्लीट हुआ है, पीछे वाले का सब बाकी है. एंड देयर इज़ द लाल किला, जो कि अभी आई थिंक 10% कम्प्लीट हुआ है, 90% बाकी है. एंड देयर इज द पैलेस. वाओ. सेकेंड ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. एंड वहाँ पे एक और ग्रुप खड़ा हुआ है स्कूल से भी, यू नो देयर ब्रिंगिंग किड्स. एंड हम बाहर आ गए हैं फाइनली. शाम हुई भी नहीं है, मतलब रात. एंड लाइटिंग ऑन हो गई है, लाइटिंग स्टार्ट हो गई है. हमें वापस से जाके खाने के लिए पप सैंडविच वगैरह सब लेके आ गए हैं. एंड पैलेस के बाहर जाके एंजॉय करेंगे. अभी अभी आधा घंटा है, 6:30 नाउ. सब या एंड स्टार्ट हो गई है लाइटिंग. लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग राइट हियर. वो तो अभी लाइट ऑन नहीं हुआ है. Look at this pretty India gate and this beauty. Wow. हमेशा यहाँ पे इतने सारे घोड़ा गाड़ी होते ही है. लुक एट दिस. एंड पीछे लाइटिंग्स. वाओ. एंड दिस इज आउटसाइड द पैलेस, बिफोर पैलेस की लाइटिंग. हाँ हाँ, व्हाट व्यू, सो ब्यूटीफुल. ये पैलेस के अंदर जाने के लिए भीड़ लगी हुई है. ओह माय गॉड. इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद हम अंदर आ गए हैं. मम्मी से इनसे पूछा बाद में ले लेना. मेन मुझे ना वो लाइट जब ऑन होती है ना, वो लाइट ऑन होने का मुझे लेना है, तो इसीलिए इतना अर्जेंट है. We finally made it inside. Now let's find a अच्छा सा place and sit there. And ये शाम को flower show कुछ ऐसा दिख रहा है. And वो अभी complete नहीं हुआ है, red fort. And ये golden tree में भी light लग गई है. Wow, look at this. And मैं आधे घंटे से video on करके मैंने रखा हुआ था, लेकिन जब मैंने video off किया उसके बाद ही light लगी. I couldn't capture the moment the light you know turned on, but koi nahi, chalo next kabhi le lenge. Light to roz lagti hai, let's take it some other time. But look at the lighting. Oh my goodness.
वाओ आई हैव बीन वेटिंग साथ लूँगी बट मेरा यू नो ऑफ करने के बाद ही लगा लाइट बट कोई नहीं लाइटिंग देके मेरा मन पिघल गया है. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल मतलब चारों तरफ. लाइटिंग नाउ विल हैव द फूड मतलब जो हम लेके आए थे यमी यमी पैलेस की व्यू के साथ. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are 'cause you're not here. It's been way too long. We have so many variety. एक वैरायटी तो मैंने खा ली है, सैंडविच खा लिया है. We have three more variety and this view so beautiful. Wow. मम्मी also eating. यहाँ view, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ view. अभी बस पेट पूजा करनी है. काफ़ी एक अच्छा क्राउड था. रात के आई थिंक 8:30 कुछ बज रहे होंगे, 8:30-9. एंड वो क्राउड एंड वो लाइटिंग मतलब एक ना एक फेस्टिवल की तरह लग रहा था पैलेस में. इतने सारे लोग, वो बैंड परफॉर्मेंस, इट वाज सो 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 नाइस टू वॉच. एंड लुक एट द लाइटिंग सेटअप, मैंने वीडियो निकाली एंड दिस इज़ द लाइटिंग. ऐसे तो बहुत ही सारे थे. That was it. मतलब हमने सोचा कि हम यू नो चल के बस स्टॉप तक जाएंगे मतलब लाइटिंग देख के. एंड ऑन आर वे मतलब इतनी सारी लाइटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा. मेरी चार्ज मतलब फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं और रिकॉर्ड करती. मतलब यही सेम था, मतलब हर गली में था यही. इट वॉज़ लाइक दुल्हन की तरह सजा दिया था पूरे सिटी को. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड माय टुडेज़ वीडियो. हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट vlog.